गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास से हैं। तो पुनः आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल शर्मिला डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि हमारे श्रीमद् भागवत जी के लिए भूमि पूजा विधि विधान से की गई, हनुमान जी से निर्विघ्न हमारा कार्य संपन्न हो उसके लिए प्रार्थना की गई, और उसके पश्चात फिर हम लोगों ने आपस में सभी ने जलपान किया और फिर कुछ बाजार के काम रह गए थे तो मैं और खुशी बाजार चले गए काम करने के लिए, और बाकी सभी जिनके जिनके जो जो काम के डिपार्टमेंट बांटे गए थे यानी कि विभाग बांटे गए थे वो सभी लोगों ने अपना अपना कार्य का अच्छे से निष्पादन किया। और अब कुछ ही देर में हमारे जो पूजनीय व्यास जी हैं और ब्राह्मणगण वो पहुँचने वाले हैं 4:30 बजे के आसपास, तो मैं खुशी पहुंच गए हैं। और ये देखिए हम लेकर के आए सुखदेव जी, तो ये हमारे साथ साथ ये भी कथा सुनेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ देखिए फूल की पंखुड़ियां बिखेरी हुई हैं, बस इसी रास्ते से होके हमारे पुजरी व्यास जी बस पहुंचने ही वाले हैं। सारे जो सत्या विहार महिला मंडल दल के सदस्य हैं वो सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हुए हैं और बस व्यास जी का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ही पलों में वो हमारे सबके बीच में होंगे। ये देखिए ये मैं हूं, तो गुरु पता है, हम सभी को पता है कि गुरु के चरणों में ही असली सुख होता है। अगर हमने गुरु के चरणों की महत्ता समझ ली तो हमें भगवान साक्षात मिल जाते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय।
मजेदार मंदिर है। मिलना है, मिल लो। ये कब से आपका वेट कर रहे हैं बच्चे, जाओ जाओ जाओ, जाओ। इनका बहुत बड़ा योगदान था घर में सफाई करने में। हां ये आप तो दोस्तों हम देते हैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम और मिलते हैं आपसे कल जल्द ही अगले व्लॉग में। बहुत सारी तैयारियां कर रही हैं क्योंकि कल है सुबह ठीक 8 बजे से कलश यात्रा, तो अगला व्लॉग और भी ज्यादा सुंदर होने वाला है। सब कलश यात्रा में होंगे, तब तक आप जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ और मिलते हैं आपसे जल्द ही। बाय बाय, सी यू सून।